ओके गाइस, सो लेट्स स्टडी अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि एक एंथर, जो नया एंथर बना है उस एंथर से पोलन ग्रेन बनने तक की पूरी प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने नाम तो सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिया है, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर उससे आगे पोलन ग्रेन तक कैसे बनता है ये प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर्स देन पोलन ग्रेन, ये पूरी प्रोसेस हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक डेवलपिंग एंथर होता है। तो डेवलपिंग एंथर की मैं एक एक स्पोरेंजिया यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, डेहिसेंस होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं अंदर की। सबसे बाहरी एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर आपकी एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम के बाद कुछ लेयर्स मिडिल लेयर की होती है, और मिडिल लेयर के अंदर सबसे अंदर जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है, और टेपिटम के अंदर एक होमोजीनस सेल्स का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये क्या है, आपका स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू। इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है, कई सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू की कई सारी सेल्स डिफरेंशिएट होकर के बनाती हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट हो जाती हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। तो ये मियोसाइट बना देंगी। ठीक है, मियोसाइट कैसी बनेंगी ये हम देख लेते हैं। ये अपनी मियोसाइट बन चुकी है, अभी डिफरेंशिएट होकर के क्या बन चुकी है, मियोसाइट बन चुकी है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या फिर इसको हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, पीएमसी या एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है। याद रखना बेटा, ये पूरा टिश्यू क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इसके भी सारे सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं। ये भी कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी है, डिप्लॉयड है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये मियोसाइट है। मियोसाइट होने की वजह से इसका मतलब ये मियोसिस कर सकती है। तो अब क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो हमने मियोसाइट बनाई है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है, इनके अंदर मियोसिस होता है। क्या होता है, इनके अंदर मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, मियोसिस होगा। अब जैसा कि आप जानते हो, मियोसिस से क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बनने वाली चार सेल्स है, ये चार सेल अलग अलग नहीं होती है। तो क्या होगा, जैसे हम एक एक करके डिवीजन करते हैं, जैसे ये आपकी शुरुआत में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म में। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, और ये एक सेल से दो सेल बन जाती है। ठीक है, और जब सेकेंड मियोसिस होगा इसके अंदर, तो आप जानते हो चार सेल बन जाती है, तो कुछ इस तरह से ये नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चार इसके अंदर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, चार सेल यहाँ पर बन गए। इस चार सेल का ये जो ग्रुप है, इस चार सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं टेट्राड, या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं क्योंकि इसमें चार सेल है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसका हर एक सेल आगे चल के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनता है। ये बात समझ में आ गई सबको, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपस में जिस टिश्यू से जुड़ी होती हैं, उस टिश्यू को हम कैलोस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोस टिश्यू। बाद में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है कैलेज। कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोस टिश्यू को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। जब ये कैलोस टिश्यू को ऐसे डाइजेस्ट कर देता है, तो ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, चार माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। अब ये चारों माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पोलन ग्रेन में डेवलप हो सकते हैं। हम एक के एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इससे पोलन ग्रेन बनता है। तो मान के चलो ये माइक्रोस्पोर को हम देखते हैं, ये क्या बन गए, चार हमारे माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, माइक्रोस्पोर्स।
ये माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे जो कि मेल गैमेटोफाइट है। हमने लाइफ साइकल्स में पढ़ा था कि स्पोर जनरेट होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं ना, और माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होता है और पोलन ग्रेन किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर से। लेकिन यहाँ पे और कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान दो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ये 2N थी, और मियोसिस होने के बाद ये जो सारे माइक्रोस्पोर्स हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन कैसा होता है, क्या होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। पोलन ग्रेन क्योंकि गैमेटोफाइट है तो ओवरऑल वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। बात समझ में आ गई सबको। अब देखते हैं इसके अंदर ये डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं। तो जैसे ये आपका एक माइक्रोस्पोर है, अब ये माइक्रोस्पोर को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये आपका माइक्रोस्पोर है, इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और एक इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वैक्यूल बना लेते हैं। ये क्या है, वैक्यूल, ओके, दिस इज अ वैक्यूल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखो बेटा आगे क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो इसकी वैक्यूल डिवाइड होती है, और वैक्यूल डिवाइड होकर के इसमें और नई वैक्यूल बना देती है। इस तरह से वैक्यूल्स इसके अंदर और एक्स्ट्रा बन जाती है। बात समझ में आई सबको। तो वैक्यूल बन गई। अब वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि सेल का डिवीजन होगा। अब सेल के डिवीजन में आप ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन होना चाहिए, ये बात आप समझो कि यहाँ पर जो डिवीजन होगा उससे क्या होता है कि नई सेल तो बनती है, लेकिन वो नई सेल इसी के अंदर बनती है, तो अगला जो इसमें डिवीजन होता है वो असिमेट्रिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, असिमेट्रिक डिवीजन होता है, यानी कि इस तरह से जैसे सेल बन गई, असिमेट्रिक डिवीजन का मतलब जो स्पिंडल बनता है वो स्पिंडल सेंटर में ना बनकर, वो स्पिंडल सेंटर में ना बनकर इस तरह से एक कॉर्नर पे बनता है, ठीक है। तो ये स्पिंडल जो न्यूक्लियस का बन रहा है डिवाइड होते टाइम वो एक कॉर्नर पे बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक स्पिंडल। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने से क्या होता है, जो बनने वाली दोनों सेल्स हैं, जो आगे बनने वाली सेल्स हैं, वो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, आगे बनने वाली सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होता है, यानी कि ये बनने वाली सेल्स कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, ठीक है। तो एक सेल यहाँ पर क्या होती है, छोटी सेल बन जाती है इस तरह से, और एक बड़ी सेल रह जाती है यहाँ पर, ठीक है। एक ये बड़ी सेल रह जाती है और एक ये छोटी सेल बन जाती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, यानी कि ये भी क्या है, प्लॉइडी एन है, यहाँ पर भी प्लॉइडी एन है, और यहाँ पर इन दोनों सेल की प्लॉइडी भी क्या है, एन है, इसकी भी प्लॉइडी एन है और इसकी भी प्लॉइडी एन है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो बड़ी सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाती है, मेल गैमेट्स बनाती है। आगे इसमें और डिवीजन होते हैं, और डिवीजन के बाद इस जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स बनते हैं। कितने मेल गैमेट्स बनते हैं, दो मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, दो मेल गैमेट्स बनते हैं। तो अगर एक डेवलप पोलन ग्रेन को देखा जाए तो ये क्या बन चुका है, साथ में पोलन ग्रेन बन चुका है। इसमें दो सेल हो सकती हैं, या फिर अगर डिवीजन हो गया तो यहाँ पर तीन सेल भी हो सकती हैं, जो दोनों क्या होंगी, मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। साथ साथ इसके अंदर और भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमने यूबिश बॉडीज के बारे में बात की थी। इसकी आउटर लेयर पर आउटर कवरिंग बनने लगती है, हार्ड कवरिंग बनने लगती है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। तो इस तरह के अंदर और बाहर होने वाले पूरे चेंजेस की वजह से एक माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर था, ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के क्या बना देता है, पोलन ग्रेन बना देता है, ठीक है, बन चुका है आपका पोलन ग्रेन बन चुका है। बात समझ में आई। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस होती है। अब ये सारी चीज की, ये मेल गैमेट कब बनेगा, मेल गैमेट कब बनेंगे, यानी कि सेल के अंदर कब बनेंगे, या फिर ये पॉलिनेशन से पहले भी बन सकता है, पॉलिनेशन के बाद में भी बन सकता है, तो इस तरह से कब मेल गैमेट्स बनते हैं, वो सारी प्रोसेस हम आगे चल के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में समझेंगे। अभी तक आपको बात समझ में आई कि किस तरह से स्पोरोजीनस टिश्यू जो है उसकी सेल्स
डिफरेंशिएट होकर के मियोसाइट बन जाती हैं, यानी कि उनमें मियोसिस करने की कैपेसिटी आ जाती है, उनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बोलते हैं। फिर उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद उसमें चार सेल्स बन जाती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की चारों माइक्रोस्पोर एक टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसको हम कैलोज बोलते हैं। जब ये फिर क्या होता है कि कैलेज नाम का एक एंजाइम, कैलेज क्या है, ये एंजाइम है, ये कैलोज को डीजनरेट कर देता है, इस कैलोज को डीजनरेट कर देता है। जब ये कैलोज डीजनरेट हो जाता है तो चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। फिर माइक्रोस्पोर के अंदर एक असिमेट्रिक डिवीजन होता है और असिमेट्रिक डिवीजन से दो सेल बन जाती हैं, एक बड़ी सेल जिसके अंदर ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है यानी कि वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी सेल जिसके अंदर कम साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जनरेटिव सेल। आगे ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस से डिवाइड होकर के मेल गैमेट्स बनाती है, और दो मेल गैमेट्स बनाती है, वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड की प्रोसेस भी यहाँ पर समझ के रखनी है। आई होप आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन का सिंथेसिस पूरा समझ में आया होगा, और बाकी पोलन ग्रेन्स की बाकी की प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।